डॉन भारतीय फिल्म इतिहास की एक ऐसी कालजयी रचना जो आज भी उतनी आकर्षक और मनोरंजक है जितना कि 70 के दशक में हुआ करती थी। इस फिल्म को देखकर यही लगता है कि इसके लेखक सलीम जावेद ने क्या दूर की कौड़ी लाई थी। पर यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि न केवल इस फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन बल्कि कई दृश्य भी साल 1962 में आई शम्मी कपूर स्टारर फिल्म चाइनाटाउन से कॉपी की हुई है। शुरू करते हैं फिल्म के बेसिक स्टोरी लाइन से। दोनों ही फिल्में क्राइम थ्रिलर जॉनर की हैं, जहां फिल्म का नायक अपने हमशक्ल के जगह पर पुलिस की तरफ से भेजा जाता है और काफी परेशानियों के बाद अपने मिशन को अंजाम देने में कामयाब भी रहता है। यहां ध्यान रहे कि मैं फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा दोनों फिल्मों के किरदारों को अलग अलग तरीके से पेश किया गया है। मसलन चाइनाटाउन में जहां नायक का हमशक्ल उसका अपना जुड़वा भाई होता है जो कि काफी हद तक तार्किक भी लगता है, जबकि डॉन में दोनों के हमशक्ल होने के किसी भी तर्क पर प्रकाश नहीं डाला गया है। इसके अलावा जहां चाइनाटाउन के दोनों हमशक्ल अंत तक जीवित रहते हैं जबकि डॉन में एक की मौत फिल्म के आधे घंटे में ही हो जाती है। बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी, फिलहाल चलते हैं फिल्म डॉन के उन दृश्यों की तरफ जो चाइनाटाउन से हूबहू मिलते जुलते नजर आते हैं। डॉन फिल्म के इस दृश्य को गौर से देखिए, जहां पर ये मेरा दिल यार का दीवाना गीत से ठीक पहले सोनिया बनी हेलेन डॉन को यह कहकर रोकती है कि इतना भी जल्दी क्या है जाने की। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, अब मुझे यहाँ रोकने के लिए बाकी रखा ही क्या है। इससे पहले कि पुलिस तुम्हें बांध कर खींचती हुई ले जाए, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे अपनी मंगेतर रमेश का बदला लेना चाहती थी। ठीक ऐसा ही एक दृश्य फिल्म चाइनाटाउन में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर हेलेन शम्मी कपूर को रोकती है। यू आर वेरी रूड माइक, हमेशा हमारा दिल तोड़ने का बात करता, कभी कभी दिल जोड़ भी तो दिया करता। इन दोनों दृश्यों में अगर कुछ अंतर है तो बस इतना कि एक में हेलेन डॉन से नफरत करती है और उसे पुलिस से पकड़वाना चाहती है, तो दूसरे में वो शम्मी कपूर से प्यार करती है और बाहर इसलिए नहीं भेजना चाहती क्योंकि उसे स्मगलिंग करते हुए पुलिस ना पकड़ ले। इसके अगले ही दृश्य में स्मगलिंग करते हुए शम्मी कपूर को पुलिस पकड़ भी लेती है, जो कि डॉन फिल्म के उस दृश्य की याद दिलाती है जहां पर इसी तरह से एक स्मगलिंग सीन के बाद पुलिस डॉन का पीछा करती है और अंत में डॉन पुलिस से जान बचाकर भागता है और एक रेलवे पुल से नदी पर कूद जाता है। इन दोनों दृश्यों में आधारभूत अंतर यही है कि एक में जहां शम्मी कपूर के द्वारा निभाया गया माइक का किरदार जिंदा गिरफ्तार होता है, जबकि डॉन में जख्मी होने के कारण अमिताभ बच्चन के किरदार की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब फिल्म डॉन की कहानी आगे बढ़ती है तो डीएसपी डिसिल्वा बने इफ्तिखार को डॉन का हमशक्ल मिलता है, जिसे वो डॉन के जगह पर उसके गैंग में शामिल करने का प्रयास करते हैं। ये आदमी डॉन है, लेकिन ये तो मैं हूँ। ये डॉन है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी जगह आए? और इस तरह तुम हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हो, लेकिन मुझे तो आप माफ ही कर दीजिए, तो बड़ा खतरनाक काम मालूम पड़ता है भाई। ठीक इसी तरह एक दृश्य चाइनाटाउन में भी देखने को मिलता है, जहां माइक के हमशक्ल बने शम्मी कपूर को पुलिस चाइनाटाउन के बदमाशों के गैंग में भेजने का चाल चलती है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखा तुमसे कितनी मिलती जुलती शक्ल है। मैं भी यही ताज्जुब कर रहा हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये है कौन? चाइना टाउन का सबसे खतरनाक मुजरिम शेखर, जो इसने आज तक हमें नहीं बताया वो तुम हमें बताओ। ओ नो इंस्पेक्टर साहब, नो, वो मुझे पहचानते ही जान से मार डालेंगे। हाँ। दोनों ही फिल्मों के नायक शुरू में इस काम के लिए हिचकते हैं, जो कि अंत में पुलिस के द्वारा डरपोक कहे जाने और लालच दिए जाने के बाद तथाकथित गैंग में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दृश्य के दौरान एक और समानता यह नजर आती है कि दोनों ही नायकों को पुलिस प्रोजेक्टर की मदद से बदमाशों के फुटेज भी दिखाती है, ताकि वो अपनी भूमिका को ढंग से समझ सके। दोनों ही फिल्मों में एक विशेष मुद्दा ये था कि फिल्म के नायक को अपने हमशक्ल के जगह पर उसके गैंग में कैसे शामिल करवाया जाए। इसके लिए फिल्म डॉन में हॉस्पिटल का सहारा लिया जाता है, जहां डॉन के साथी उसे छुड़ा कर ले जाते हैं। फिल्म चाइनाटाउन में भी एक ऐसा ही हॉस्पिटल का दृश्य दिखता है, जहां पर शेखर बने शम्मी कपूर को भी एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर यह कहा जाता है कि माइक सरकारी गवाह बन गया है। यह सुनकर माइक के गैंग वाले उसका कत्ल करने के लिए हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में एक छोटी सी मुठभेड़ के बाद शेखर उन्हें बतलाता है कि दरअसल
सरकारी गवाह बनना उसकी चाल थी। वास्तव में वो यह चाहता था कि यह सब सुनकर उसके गैंग वाले उसका कत्ल करने के लिए हॉस्पिटल आए और उनके साथ वो फरार हो सके। इसके कुछ दृश्यों के बाद चाइना टाउन में एक अन्य दृश्य देखने को मिलता है कि जो डॉन में उस दृश्य की याद दिलाती है जिसमें डॉन अपने गैंग मेंबर को पुलिस इन्फॉर्मर समझकर गोली मार देता है। दरअसल चाइना टाउन के इस दृश्य में भी शम्मी कपूर माइक के हेडक्वार्टर में एक कागजात की चोरी कर रहे होते हैं जिसे एक गैंग मेंबर देख लेता है और दोनों की भिड़ंत भी हो जाती है। इस भिड़ंत के परिणाम स्वरूप गैंग मेंबर बेहोश हो जाता है और शम्मी कपूर उसके कपड़ों में वही कागजात छिपाकर घटना को यह रंग देते हैं कि वास्तव में असली चोर वो गैंग मेंबर है। अच्छा बाबा माइक। चोर गद्दार। अच्छा तुम आ गए वो फिलिप चोरी। हाँ तुम अपना ये टेबल का ड्रॉर देखो, कहीं से कुछ चुराया तो नहीं यहाँ से? देखा इसी के पास, अगर मैं वक्त पे नहीं आता तो ये इसीलिए इसको पुलिस के हवाले कर देता। आओ आज मालूम हुआ इधर का खबर पुलिस को कौन देता है। इस दृश्य में मदनपुरी का किरदार अपने साथियों के साथ ठीक उसी तरह कमरे में प्रवेश करता है जैसा कि डॉन में नारंग बने कमल कपूर प्रवेश करते हैं। इसके अलावा फिल्म डॉन का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा जिसमें अमिताभ बच्चन इफ्तिखार से मिलने उनके बिल्डिंग पर चढ़ने का प्रयास करते हैं और उसी बीच में उन्हें असली डॉन समझकर जीनत अमान रस्सी काट देती है और अमिताभ बच्चन एक भरे हुए पुल पर जा गिरते हैं। इस दृश्य के अगले पल में जीनत और अमिताभ बच्चन के बीच एक जोरदार फाइटिंग सीक्वेंस भी देखने को मिलता है जहां अमिताभ जीनत को लाख समझाते हैं कि वो असली डॉन नहीं है पर जीनत मानने को तैयार नहीं होती। अंत में इफ्तिखार आकर जीनत को सच बतलाते हैं तब कहीं जाकर उनका संदेह मिटता है। फिल्म चाइना टाउन में भी एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है जहां पर शम्मी कपूर फिल्म की नायिका शकीला को अपना सच समझाने का अथक प्रयास करते हैं पर वो कामयाब नहीं हो पाते। अंत में पूरे मामले को साफ करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर को आना पड़ता है तब कहीं जाकर शकीला सच को स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। फिल्म चाइना टाउन और डॉन दोनों में ही कई कलाकार कॉमन हैं, जैसे कि हेलेन, एमबी शेट्टी, केशव राणा, अभिनेता मकसूद आदि। इन सब के बीच फिल्म चाइना टाउन में एमबी शेट्टी के द्वारा निभाया गया चिंगली का किरदार काफी चौंकाता है। वास्तव में चिंगली एक चाइनीज किरदार है जिसे एक दक्षिण भारतीय कलाकार ने निभाया था जिनका शारीरिक रंग काफी हद तक काला था जबकि चाइनीज सामान्यतः गोरे होते हैं। इन सब के बीच राहत की बात यह रही कि चाइना टाउन एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी जिसमें रंगों का कोई मसला ही नहीं था। इस फिल्म में एमबी शेट्टी लंबे लंबे डायलॉग्स बोलकर दर्शकों को बड़ा ही चौंकाते हैं क्योंकि वो फिल्मों में सामान्यतः ना के बराबर बोलते नजर आते थे। एमबी शेट्टी ने न केवल इस फिल्म में अभिनय किया बल्कि इसके एक्शन डायरेक्टर भी वही थे। तो ये थी फिल्म चाइना टाउन और डॉन पर हमारी एक तुलनात्मक प्रस्तुति। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप समझ चुके होंगे कि डॉन वास्तव में चाइना टाउन की कितनी कॉपी थी। इस वीडियो से संबंधित कोई भी शिकायत और सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आपकी बेबाक राय हमें अवश्य दें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे ही वीडियोस देखने के शौक रखते हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।